आपके पंचायत के जो लोग हैं पिछले एक सप्ताह से रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में जो 25 तारीख को वोटिंग होगी उसका बहिष्कार करेंगे, ऐसा क्यों? ये बहिष्कार होते रहेगा जब तक हम लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं होगा तब तक, क्योंकि ये जो रोड है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रोड आज से खराब नहीं है, ये हमारे दादा जो थे उस टाइम से लेके हमारे आज के डेट तक, ठीक है, हमारे आने वाले पीढ़ी तक हमको नहीं लगता कि ये रोड कभी बनने वाला भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, ठीक है, सब कोई जो है मतलब आश्वासन दिया कि हाँ रोड बनेगा, लेकिन आज तक ये रोड पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे ना साइड से नाला गया हुआ है, नहर का जो काम है वो भी वैसे ही पेंडिंग हुआ है, यहाँ पे ट्यूबवेल बना हुआ है वहाँ पे भी वो ट्यूबवेल आज तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है। पानी का सप्लाई भी अच्छे से नहीं है। एजुकेशन का बात करेंगे, एजुकेशन का भी वही हाल है, यहाँ पे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होता है, टीचर लोग अच्छे से पढ़ाती भी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, और इसके वजह से जो है बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं, उसके वजह से फिर वैसे ही जा रहे हैं काम कर रहे हैं, जैसे तैसे अपना रोजमर्रा का जिंदगी जी रहे हैं, ठीक। आगे ये जो कनेक्टिविटी है रोड का जो मतलब मसला है हम लोग का, इसलिए हम लोग कनेक्टिविटी खोज रहे हैं क्योंकि हम लोग शहर से कनेक्ट हों, हम लोग एक जो पिछड़े एक एरिए की तरह आ गए हैं, हम लोग नहीं, एक प्रशासन का भी बात होता है कभी हम लोग के, जैसे कि कभी मतलब कुछ इशू हुआ हम लोग गांव में, कोई इशू हुआ हम लोग प्रशासन के पास भी जाते हैं, वो खुद रेडी नहीं होते हमारे गांव में आने के लिए। हॉस्पिटल की भी बात करें, अगर हम लोग कभी हम लोग घर में कोई बीमार होता है, बरसात के दिन में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कोई मतलब यहाँ से गाड़ी जाने वाली नहीं रहती है, फिर हम लोग यहाँ पे फिर जैसे तैसे वो खटिया पर चरपाई भी हम लोग टांग के लेके जाते हैं उनको। अच्छा, इससे पहले किस किस नेता ने वादा किया था? राजेश कुशवाहा, राजेश वादा में तो देखिए तो सबसे पहले जाइए हमारे वर्तमान इस समय सांसद आलोक कुमार सुमन जी हैं, राजेश कुमार विधायक हैं, रामसेवक सिंह हैं, तीनों के पास हम लोग का लेटर जमा है, कागज में दिखाया गया कि ये रूट बन गया है, अब बनने के बाद ये बाढ़ में दब भी गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। आप आए आपको अंदाजा होगा कि कैसे हुआ है। यहाँ पर इस बार भी आएंगे, आश्वासन देंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, इस बार वोट का बहिष्कार किया जाएगा, सभी बक्सा वापस जाएगा, और प्लस में कोई भी प्रतिनिधि हो इस गाँव में नहीं घुस सकता है, हम लोग का वादा किया है। यहाँ पर डीएम साहब आएंगे, ठीक है, डीएम साहब आएंगे, उनको भी टारगेट होगा ना कि हाँ इस गाँव से इतना वोट लेना है, उनको भी टारगेट होगा, हर एक फील्ड में एक टारगेट होता है। हम लोग का है कि यहाँ पे कोई भी आदमी वोट देने नहीं जाएगा। अच्छा, पंचायत में मिलाइएगा तो 5000 से अबव वोट है, लेकिन अगर एक अभी देखिए तो यहाँ पर हम लोग 800 कुछ वोट डालते हैं, तो राम से राजेश सिंह कुशवाहा जो है वो बोल रहे हैं कि आपकी पंचायत में हम आए हैं वोट मांगने, मुर्गा और मछली पर हम वोट लिए हैं, तो आप बताइए 700-800 वोट पड़ा था, 800 में 800 लोग बिकाऊ थोड़ी है, तो जनता के पास पावर है कि वोट के समय अपना वोट से चोट करेगा, वही हम लोग मुद्दा बनाए हैं। अच्छा, ये मानते हैं कि नहीं कि गांव में पंचायत में आज भी कुछ लोग हैं जो पैसे पे दारू पे मुर्गा पे वोट देते हैं? है ऐसा हो रहा है, चलेगा ये, लेकिन उसमें कुछ लोग शिक्षित हैं, उनके भी तो बात मानना चाहिए कि हाँ कुछ लोग शिक्षित हैं, वो अपना बात रख रहे हैं तो उस पर मायने। लेकिन एक बात बताइए कि अगर कोई नेता करोड़ों रुपया चुनाव में अगर खर्चा करेगा तो वो जीतेगा तो वो तो निकालेगा ही ना? वो अलग बात है अपना निकाले, लेकिन जो जनता के बीच जो संपर्क में रहेगा वो पॉलिटिक्स पैसा निकालने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अगर डॉक्टर सुमन मुर्गा चावल और राजेश कुशवाहा दिए हैं तो उनको साल में 5 करोड़ फंड मिलता है, जिसमें 5 चीज पे वो खर्च करने के लिए आता है, 15% SC और 7% SC ST को मिलता है, बाकी सब जनरल लोगों को विकास करने के लिए आता है। कितना करोड़ चैनपुर पंचायत में या हथुआ ब्लॉक क्षेत्र में कितना करोड़ खर्च किए हैं, डॉक्टर सुमन कुमार अपना लिस्ट दें, या जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं वो आके हम लोग के साथ मीटिंग करें, आश्वासन दें, हमारे पंचायत के लोगों से बात करें। अच्छा, एक बात बताइए, हमको लिखी चाहिए, 25 जो है 25 को चुनाव होने वाला है, कोई नेता वगैरह आया है कि नहीं वोट? कोई नेता नहीं आया, डॉक्टर सुमन भी नहीं आया है, जो अभी उनके खिलाफ जो उठे हैं चंचल वो भी नहीं आया है, कोई भी नेता नहीं आया अभी इस बार 2025 में वोट के लिए, न उनका कोई प्रचार का गाड़ी आया है, न उनका कोई प्रत्याशी आया है हमारे पास। तो अगर आएंगे तो क्या आप लोग का रिएक्शन होगा? आएंगे तो हम लोग सबसे पहले यही पूछेंगे कि चैनपुर हथुआ ब्लॉक के चैनपुर पंचायत में डॉक्टर सुमन कुमार अगर आते हैं वोट मांगने, तो हमारा मांग यही होगा कि वो कितना काम किए हैं हमको बताएं, और कितना पंचायत में फंड दिए हैं बताएं, अगर नहीं बताते हैं, अगर इस पे कार्रवाई नहीं करता है जिला प्रशासन भी, तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, हमारा बूथ खाली जाएगा।